शांति। आज की तारीख है 10/8/22। मीठे मीठे स्वीट स्वीट बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ और अब मुझे घर जाना है। तो यही घड़ी घड़ी हम सोचें और अपनी स्थिति को देही अभिमानी बनाएं। प्रश्न है, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और क्यों? उत्तर है, सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन। क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको ये समझा सकते हो कि ये त्योहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस बंधन की दरकार ही नहीं, लेकिन वो कह देते कि ये रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। गीत बजा है, जय जय ओ जगदम्बे माँ। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करनी है। जब हमें कोई सत्ता मिले, पद मिले, तो भी हमें बहुत नम्रता से हरेक से बातचीत करनी है। ना कि हम अपने पद के या अपने अधिकार के या हक के उस नशे में आकर हम उनसे ईगो में जाकर के बात करें, अहंकार से बात करें। नहीं, बाबा कहते हैं नम्रता से बात करें। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। नंबर दो, एक अव्यभिचारी याद में रहना है। किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, हद की इच्छाओं को त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। क्यों बाबा कहते हद की इच्छाओं को त्याग करेंगे तो अच्छा बनेंगे? क्योंकि हद की इच्छाएं जब तक पूर्ण नहीं होती, पूरी नहीं होती, तब तक हमें उन संकल्पों में चलना रहता है और वो इच्छा पूरी करने के लिए हम नाना प्रकार के यत्न करते ही रहते हैं। तो हमें बाबा की याद भी कम हो जाती है तो हम अच्छा नहीं बन पाते। तो बाबा कहते हैं, जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हद की इच्छाएं तो ढेर सारी है, लेकिन बाबा हमें इतना अच्छा बनाते हैं कि हमें फिर कोई भी हद की इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अच्छा बनने वाले की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती है। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। मांगने से कुछ मिलता नहीं है, बाबा कहते हैं। इसीलिए मांगने का संकल्प ही मत करो, यत्न तो बाद की बात है। मांगना अर्थात इच्छा, बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा। याद और निस्वार्थ सेवा के द्वारा
माया जीत बनना ही विजयी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।